नयाकोन पुलिया पर ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 14 नागरिक घायल हो गए। शनिवार की शाम को ही दुर्घटना हुई, छोटे बालक भी घायल हो गए हैं। घायलों को नागपुर शासकीय अस्पताल भेजा गया। मिली जानकारी के अनुसार आमडी फाटक की ओर से पारशिवनी की ओर आने वाला ट्रैक्टर क्रमांक MH 26 3567 का चालक बड़ी तेज रफ्तार से पारशिवनी की ओर आ रहा था। वहीं बीच रास्ते में पेंच नदी के पास अचानक चालक ने ट्रैक्टर के ब्रेक दबाने से पीछे की ट्रॉली पलटने से बीच में बैठे मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए। बीच की ट्रॉली में मजदूर महिला बच्चे बड़ी संख्या में बैठे थे। ट्रैक्टर को दो ट्रॉली लगाकर चालक सावनेर की ओर मजदूरों को ले जा रहा था। बीच में अचानक दुर्घटना होने से उसमें बैठे सभी मजदूर दुर्घटनाग्रस्त होने से गंभीर चोट आई। घटना की जानकारी मिलते ही पारशिवनी पुलिस घटना स्थल पर पहुंची। वहीं दुर्घटनाग्रस्त मजदूरों को तुरंत पारशिवनी ग्रामीण अस्पताल लाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने जाँच करने पर गंभीर रूप से घायलों को नागपुर सरकारी अस्पताल भेजा गया, जहाँ उनका इलाज किया जाएगा। यह घटना शनिवार को शाम 5 बजे के आसपास की बताई जा रही है। घटना की जाँच पारशिवनी कर रही है।